सो गाइस मुझे बहुत सारे यूट्यूब शॉर्ट्स वाले क्रिएटर मैसेज करते रहते हैं कि भाई मेरा जो 4000 घंटे का वॉच टाइम है वो तो कंप्लीट हो चुका है, हमारे YT स्टूडियो में तो शो कर रहा है लेकिन हमारे जो YT स्टूडियो मोनेटाइजेशन वाला टाइप है उसमें नहीं शो कर रहा है, तो वो कैसे शो करेगा कि नहीं करेगा इसका पूरा मैं आपको डाउट क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहेगा। वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और यार अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा। तो गाइस अब मैं आपको इस बात को सीधे समझा देता हूं कि अगर आपके शॉर्ट वीडियो पर जो वॉच टाइम आया हुआ है वो काउंट क्यों नहीं हो रहा है। तो भाई काउंट इसलिए नहीं हो रहा है, हम सीधे यहाँ पे YouTube एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे ओपन करने के बाद शॉर्ट फीड में चले जाते हैं, शॉर्ट वाले सेक्शन में, वहां से वीडियोस को अगर हम प्ले करके देखते हैं तब भाई वो वॉच टाइम हमारा काउंट नहीं होगा, ये YouTube का रूल है। और दूसरी बात, अगर हम वहां से नहीं देखते हैं वीडियो को, YouTube के होम पेज से जैसा कि मैं यहाँ पे चला रहा हूँ वैसे क्लिक करके देखते हैं तो हमारा जो वॉच टाइम है भाई YouTube मोनेटाइजेशन के लिए काउंट होगा। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।